हेलो, वॉइस क्लियर है तो बेटा यस वाई टाइप करें या फिर थम्स अप भेजें, दोनों चलेंगे। जल्दी से बता दो यार, लेट ओपी मैं भी बोल लूँगा बाद में, बट पहले ये बता दो आप। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, वॉइस क्लियर है, ऑडियो क्लियर है तो बेटा थम्स अप या वाई टाइप करें। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिजिक्स वाला की दुनिया में। मैं हूं मोहन सिंह और आज हम लेके आए बेटा सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 5। तो बस जल्दी से बता दो यार, वीडियो और ऑडियो क्लियर है तो थम्स अप और वाई लिखे और जल्दी से भेजे बेटा, जिससे हम लेक्चर स्टार्ट करें। जल्दी से दोस्तों बता दो। जल्दी से बेटा, वीडियो क्लियर है तो वाई टाइप करें या फिर आप थम्स अप करें। ऑडियो तो पहले क्लियर बताई दिया आपने, ठीक है आ रही है। तो लास्ट लेक्चर में हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी हो चुकी थी। कौन कौन सी? एक हमारे पास आर एल वी पी और सेकंड कौन सा था हमारे पास? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट दो प्रॉपर्टीज है हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे, जो कि हमारे पास क्या है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड सेकंड वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। और लास्ट लेक्चर में हम बात करेंगे किसकी, अबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज या अबनॉर्मल मॉलिकुलर मास वगैरह फाइंड करना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, बस हम 1 मिनट वेट करेंगे, 1-2 मिनट वेट करेंगे, जल्दी से आ जाए सभी, जल्दी से आओ भाई। नेक्स्ट चैप्टर बेटा ये चैप्टर एंड होने के बाद ही स्टार्ट होगा, पहले तो हो नहीं सकता। तो नेक्स्ट चैप्टर आपको नेक्स्ट वीक में मिलेगा, जो कि पी ब्लॉक होगा। उसके बाद हम टर्म वन के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है, पी ब्लॉक कंप्लीट होने के बाद में हम फिर ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे। ऑर्गेनिक के दो चैप्टर होंगे स्टार्टिंग में, एल्काइल एंड एराइल हैलाइड, और नेक्स्ट होगा हमारे पास एल्कोहल फिनॉल ईथर। उसके बाद हम जाएंगे बायोमोलिक्यूल्स पे, वो कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा टर्म वन का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है भाई। बस लास्ट 15 सेकेंड और वेट करेंगे हम, फिर स्टार्ट करेंगे लेक्चर को। जैसा मैंने बताया यार, सभी लोग, मतलब उम्मीद करता हूँ आप सभी से कि जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे कि आप एनसीईआरटी वगैरह लेके बैठते होंगे, अंडरलाइन करते होंगे, जो भी मैं आपको बताता हूँ इम्पोर्टेंट चीज़ें, इधर डिफरेंट कलर में मैं वर्ड लिखता भी हूँ, जो भी सेंटेंस होता है वो आपको डिफरेंट शेड में मिलता है इधर, ठीक है। साथ ही साथ चैप्टर कंप्लीट, लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आपको लेक्चर रिवाइज भी करना होता है, ठीक है, तभी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें तो क्वेश्चंस आपसे आराम से हो जाएंगे, क्लियर है भाई। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, मैं आ रहा ना, होमवर्क के क्वेश्चन दिए थे तो हमारे पास होमवर्क के क्वेश्चन थे, दो होमवर्क के क्वेश्चन दिए थे आई थिंक। तो ये क्वेश्चन बताओ भाई, इसका कितना आंसर है हमारे पास? 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर टाइप करेंगे, जल्दी करें बेटा, फास्ट चैट बॉक्स में आंसर, जल्दी शाबाश, फास्ट।
चैट बॉक्स में आंसर टाइप करें इसका। देखते हैं सबसे पहले कौन टाइप करता है, किसका आंसर आता है सही। ये लास्ट लेक्चर नहीं बेटा, लास्ट लेक्चर का क्वेश्चन है। कांची सिंह का सबसे पहले आंसर आया है, बट उन्होंने नवदीप का बिल्कुल सही आंसर है, ऋषभ का बिल्कुल सही है, अमन बिल्कुल सही, आंसर सबका सही आ रहा है। बट बेटा जो डेल्टा टीबी की वैल्यू बता रहे हैं ना, तो उनको देखना है कि हमारे पास क्या पूछा है उसने, व्हाट टेम्परेचर विल बॉइल वाटर बॉइल, मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पूछ रखा है, तो हमें बॉइलिंग पॉइंट बताना है अभी, है ना। ठीक है, सबका आंसर सही आ रहा है, तो स्टार्ट करते हैं हम बेटा। क्या दे रखा है हमारे पास, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, फॉर्मूला भी गिवन है, C6H12O6 इज डिजोल्व इन 1 kg ऑफ वॉटर, 1 kg वॉटर है हमारे पास, ठीक है, उसमें हमारे पास क्या डिजोल्व है बेटा, 18 ग्राम ग्लूकोज है। एट वॉट टेम्परेचर विल वॉटर बॉइल एट 1.013 बार, kb हमारे पास दे रखा है कितना, kb फॉर वॉटर इज 0.052 kg मोल इनवर्स, ठीक है। तो डेल्टा टी भी लगाना हमें, डेल्टा टी भी लगाएंगे हम, तो डेल्टा टी भी इज इक्वल टू, सबसे पहले हमें डेल्टा टी भी का मीनिंग पता होना चाहिए। डेल्टा टी भी क्या है, हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जो किसको बताता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, टी बी माइनस टी बी नॉट, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो आता है स्मॉल एम इंटू के बी, स्मॉल एम इंटू के बी, और स्मॉल एम आप सभी को पता है, स्मॉल एम क्या होता है सर, मोलेलिटी को बोलते हैं। स्मॉल एम इज इक्वल टू एन सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, एन सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें, केजी में, वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें, केजी में, ये हमारे पास क्या होता है, मोलेलिटी होती है। तो वैल्यू पुट कर देंगे हमारे पास, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू स्मॉल एम, एन सोल्यूट कितना है हमारे पास, मोल्स निकालेंगे, तो मोल्स सभी को पता है क्या होता है हमारे पास, जब हम एन सोल्यूट इधर से फाइंड करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है सर, एन सोल्यूट का फॉर्मूला होता है हमारे पास डब्ल्यू अपॉन एम डब्ल्यू, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, सबको पता है आपको। तो डेल्टा टीबी की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, एन की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, गिवन मास है सर 18, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 180, ठीक है, इनटू 1 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 1 kg, तो 1 आ गया, इनटू 0.52 कितना आ गया मेरे पास 0.52, तो ये क्या आ गया मेरे पास डेल्टा टीबी, इधर से कैलकुलेट किया मैंने कितना आया 0.1, तो इधर से डेल्टा टीबी की जो वैल्यू आई मेरे पास कितनी आई बेटा, डेल्टा टीबी आया 0.052, देखो कैलकुलेशन भी करके दे रहा हूं मैं आपको, क्लियर है भाई, डेल्टा टीबी कितना है 0.052। अब ध्यान देना, अगर आपके मतलब सब्जेक्टिव में आता है या फिर ऑब्जेक्टिव में भी आता है, और अगर ऑप्शन में आपको मिलेगा ये 0.052 मिलेगा, बट अगर आप ये टिक करके आ जाओगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, अगर आप ये टिक करके आ जाओगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। और रॉन्ग क्यों होगा, क्योंकि उसने पूछा है कि किस टेम्परेचर पर वाटर बॉइल होगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बताना है वाटर का, ना कि हमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बताना है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट नहीं बताना है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट नहीं बताना है, क्या बताना है हमें, बॉइलिंग पॉइंट बताना है, जो कि कैसे फाइंड करेंगे सर, इससे फाइंड करेंगे। तो अगर मैं टीबी फाइंड करूंगा तो टीबी कितना आएगा मेरे पास, इधर से टीबी आएगा, टीबी इज इक्वल टू टीबी नॉट प्लस 0.052, जो कि हमारे पास कितना होता है, डेल्टा टीबी नॉट की वैल्यू होती है 273.15 प्लस 0.052 ऐड कर देंगे हम, तो जो भी आंसर आएगा हमारा आ जाएगा, क्लियर है भाई, 373.202 जितना भी आ रहा है मतलब आंसर आ जाएगा, क्लियर है भाई, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी, ठीक है भाई। 1/1 क्यों किए, 1/1 मैंने किया नहीं बेटा, ये 0.1 है, ये 0.1 है, 1/1 नहीं है, 18 अपॉन 180, मॉलिक्यूलर मास अगर किसी को कैलकुलेट करना नहीं आता है तो उसके लिए हमारे पास इधर क्या है, C6
H2SO6। अगर कोई बिल्कुल ही दिमाग से पैदल है तो उसके लिए हमारे पास इधर मॉलिकुलर मास कैलकुलेट करने के लिए C6H12O6। कार्बन का होता है 12, तो 12 इंटू 6 करते तो आता है 72। हाइड्रोजन का 1 इंटू 12 करेंगे तो 12, प्लस ऑक्सीजन का होता है कितना 16, तो क्या आएगा बेटा 16 इंटू 6 करेंगे तो 96, कैलकुलेट करेंगे तो 180 आएगा। तो पहला क्वेश्चन हो गया है, सभी का सही आंसर आया है, बहुत अच्छे बेटा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, सभी लोग बताएंगे आंसर चैट बॉक्स में। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.523 केल्विन व्हेन 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाज डिसॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज टू 354.11 केल्विन। स्टार्टिंग में इतना था, अभी मेरे पास इतना हो गया है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस दे रखा है, तो इससे हम डेल्टा टीवी फाइंड कर सकते हैं। इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, डेल्टा टीवी फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, के भी हमारे पास गिवन है, तो इसका आंसर बताए बेटा सभी लोग, इसका आंसर बताए। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है अंशुल का, बिल्कुल सही आंसर है अंशिका, सही बेटा मोहम्मद अहाब, सही सही, सभी का सही आंसर आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन में किसी एक बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, वो क्या प्रॉब्लम है कि सर ये प्लस कैसे आ गया, तो बेटा ये प्लस ऐसे आ गया कि आपके पास डेल्टा टीबी, इधर ध्यान देना, डेल्टा टीबी जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, टीबी माइनस टीबी नॉट, टीबी माइनस टीबी नॉट इज इक्वल टू 0.052 आया है। तो अगर मेरे को इधर से टीबी फाइंड करना है तो इसको राइट साइड में लेके आऊंगा, और आपको मैथ वाले गुरुजी ने बढ़ाया होगा आपके ने कि माइनस अगर LHS में है उसको अगर राइट साइड में लेके आते हैं तो साइन चेंज होता है, तो इधर टीबी प्लस का हो जाएगा हमारे पास। टीबी किसका हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा टीबी प्लस का हो जाएगा, ठीक है, ऐसे प्लस आया। हाँ भाई आंसर सभी का 58 सही है, तो आपको हम सोल्व करते हैं क्या क्वेश्चन है हमारे पास ये, ठीक है। देखो क्या है इसमें, जो जो डेटा दे रखा है वो लिखे हम, सबसे पहले डेटा हमारे पास गिवन है, बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, मतलब टीबी नॉट दे रखा है हमारे पास, टीबी नॉट है 353.23 केल्विन, टीबी नॉट दे रखा है, टीबी भी दे रखा है हमारे पास, टीबी कितना दे रखा है उन्होंने 354.11 केल्विन, ये हमारे पास क्या दे दिया, टीबी दे दिया। क्या हम इधर से डेल्टा टीबी फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर, डेल्टा टीबी होता है हमारे पास टीबी माइनस टीबी नॉट, टीबी माइनस टीबी नॉट वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा, इधर साइड में कर देता हूं बेटा कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, जिससे 354.11 में से 353.21 सबट्रैक्ट करेंगे 09000, कितना आ गया मेरे पास 0.90, कितना आया बेटा 0.90 आ गया, इधर से ये आ गया मेरे पास 0.90, ठीक है। इसके अलावा क्या दे रखा है हमारे पास, W गिवन है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, W सॉल्यूट गिवन है मेरे पास, W सॉल्यूट कितना है, W सॉल्यूट गिवन है मेरे पास 1.80, और W सॉल्वेंट कितना है, W सॉल्वेंट मेरे पास है बेंजीन है ना भाई सॉल्वेंट, वो कितना दे रखा है उन्होंने 90, तो ये 90 है बस। अब तो हमें फॉर्मूला यूज करना है तो डायरेक्टली हो जाएगा क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। क्या होगा देखो इधर, जिन लोगों ने नहीं किया, वैसे सबका क्वेश्चन बनना चाहिए था, ये सबका क्वेश्चन बनना चाहिए था, 0.88 आएगा, 23 है क्या, अच्छा 23 है, ठीक है ठीक है, एक सेकेंड, ये आ गया मेरे पास 23, तो इधर से करेंगे तो अभी हमारे पास 88 आ जाएगा, इधर 0.88, तो इधर 0.88 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.88, ठीक है भाई अभी ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हम बात करेंगे डेल्टा टीबी की, तो डेल्टा टीबी हमारे पास है, डेल्टा टीबी
इज इक्वल टू स्मॉल एम इन टू के बी, स्मॉल डेल्टा टी बी की वैल्यू 0.88, स्मॉल एम हम बात कर चुके हैं मोलेलिटी होता है और क्या होता है वो भी हमने बता चुके हैं। तो देखिए इधर क्या है, 0.88 इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट 1.80 अपॉन एम सॉल्यूट, ये तो आ गए मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। इनटू क्या करना है हमें, इनटू क्या करना है हमें बेटा, आदर्श सागर जी उन्होंने जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पूछा है वो तब पूछा है जब सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में वाटर का मतलब जो सॉल्यूशन बना हुआ है तब उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पूछा था हमसे, तो वो वैल्यू हमने बताई है। तो 1.80 एम सॉल्यूट इनटू इधर आएगा हमारे पास क्या दे रखा है, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है 90 ग्राम, तो ग्राम में दे रखा है तो 1000 आएगा अपॉन कितना आ गया मेरे पास 90 इनटू केबी की वैल्यू है 2.53। तो इसको हमें सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन कुछ मेरे को इजी दिख रही है। इधर देखो क्या है, ये पॉइंट है तो इसको मैं हटा रहा हूं, तो इधर से मेरे पास 00 गए, इस जीरो से ये जीरो गया, 9 से करेंगे तो कितने टाइम्स आएगा ये 20 टाइम्स, 20 को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो m, ये पूरी कैलकुलेशन करने के बाद m सॉल्यूट जो आएगा वो आएगा मेरे पास 58 ग्राम पर ml, कितना आएगा बेटा 58 ग्राम पर ml, तो हमारा आंसर आता है 58 ग्राम पर ml। तो ये आपके लास्ट क्लास के दो क्वेश्चन थे जो कि दोनों हो गए और सभी के आई थिंक आंसर सही है, ठीक है भाई। कुछ नहीं किया, टीबी और टीबी नॉट की वैल्यू गिवन थी तो डेल्टा टीबी फाइंड कर लिया, वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन था, वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन था, और हमारे पास क्या गिवन है बेटा, ये हमारे पास केबी की वैल्यू गिवन है, किसकी वैल्यू गिवन है, केबी की वैल्यू गिवन है, सब कुछ दे रखा है तो बस सॉल्व कर लिया, ठीक है, क्लियर है भाई, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया क्या, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। अब हम आते हैं नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर जो कि हमारे पास क्या है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, क्या है बेटा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ध्यान से सुनना, मैंने आपको पहले बता दिया था कि RLVP रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फर्स्ट, सेकेंड हमारे पास क्या है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तीनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट सिंपल सा एक ही है, क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करता हूं, सोनाली शर्मा बेटा सही आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप थोड़ा रिलैक्स फील करो। हाँ, हम क्या बोल रहे हैं कि अगर मैं वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करता हूं, तो हमने पढ़ा था कि वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का है वो प्योर सॉल्वेंट के कंपेयर में कम होता है, ठीक है, इस चीज में हमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो उसी से हम बात करेंगे, उसी से हमने बात की थी किसके लिए, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, उसी से हम बात करेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो बात करते हैं क्या बोल रहा है, वी नो दैट एट द फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है वो हम बताते हैं आपको, ऑफ ए सब्सटेंस द सॉलिड फेज इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद लिक्विड फेज, जो हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसमें इक्विलिब्रियम, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट जब मैं डिफाइन करता हूं तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहता है। तो क्वेश्चन आता है कि सर किस किस के बीच में इक्विलिब्रियम रहता है, तो इक्विलिब्रियम रहता है बेटा सॉलिड फेज और लिक्विड फेज के बीच में, बात समझ में आई, क्योंकि लिक्विड से सॉलिड बन रहा है तो हमारे पास दो ही टाइप के फेज है उधर, लिक्विड और सॉलिड, तो मतलब जो इक्विलिब्रियम हम उधर देखेंगे तो किस किस का देखेंगे, लिक्विड का और सॉलिड का, वेपर वाली बात हम नहीं करेंगे उधर, बात समझ में आई। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे उस टाइम पे, जब हमने बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था, जब हमने बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था,
तब हमारे पास क्या आया था बेटा, उस वाले केस में हमने ध्यान से देखा था कि जब हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे तो सर बॉइलिंग पॉइंट पे बात कर रहा हूं, मतलब वेपर की बात करेंगे, तो उस वाले केस में लिक्विड और वेपर में हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? लिक्विड और वेपर में इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे। तो सिंपल सा फंडा है, फ्रीजिंग पॉइंट पे लिक्विड सॉलिड, और अगर मैं फ्रीज बॉइलिंग पॉइंट की बात करूंगा तो लिक्विड और वेपर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस इज इट्स सब्सटेंस इन इट्स लिक्विड फेज इज इक्वल टू इट्स वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड फेज। अगर ऐसा हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। इस वाले टेम्परेचर को क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये हमारे पास डेफिनेशन हो गई है, द प्रेशर ऑफ विच द सब्सटेंस इन, ठीक है, द टेम्परेचर एट विच, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस, वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस इन इट्स लिक्विड फेज, लिक्विड फेज में जितना वेपर प्रेशर होगा उतना ही वेपर प्रेशर उसके सॉलिड फेज के इक्वल अगर हो जाता है उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? ये फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। बस ये डेफिनेशन है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म हो गई है मान के चलिए आप, ठीक है, ये डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए। अब क्या बोल रहा है? ए सॉल्यूशन विल फ्रीज, सॉल्यूशन फ्रीज कब होगा? व्हेन इट्स वेपर प्रेशर इक्वल्स टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉलिड सॉल्वेंट। तो यही बात है, सेम यही सेंटेंस बोला उसने, क्या बोला है कि एक सॉल्यूशन फ्रीज तब होगा जब हमारे पास इसका जो वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल हो जाएगा? ऑफ द प्योर सॉलिड सॉल्वेंट, प्योर सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के अगर इक्वल हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उस पॉइंट पे हम ऐसा बोलेंगे कि हाँ अब हमारे पास क्या आ रहा है, फ्रीज हो रहा है, फ्रीज हो रहा है मतलब जो सॉलिड फॉर्म होना स्टार्ट हो रहा है। फेज मतलब बेटा फिजिकल स्टेट, अगर मैं फेज वर्ड बोल रहा हूं उसका मतलब मेरे पास है फिजिकल स्टेट, मतलब सॉलिड लिक्विड गैस, बात समझ भाई। अब इसके बाद क्या है, ये कहानी हो गई हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट की, जो आप 9th-10th क्लास में पढ़ के आ चुके हो, बट पूरा बताया है आपको जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। अब ध्यान से सुनेंगे हम, जो हम पुराना पढ़ चुके हैं वही बात करेंगे, ठीक है। राउल्स भाई, जो राउल्स लॉ आए थे अपने पास, तो राउल्स भैया जो आए थे उन्होंने क्या बोला था हमें, उन्होंने बोला था कि व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉलिड इज एडेड टू सॉल्वेंट इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेज, ये बात हमने कही थी। ये तो पता है भाई, RLVP में यही तो पढ़ा था हमने कि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट के। एंड नाउ ध्यान से सुनना, अब वेपर प्रेशर डिक्रीज हो चुका है, वेपर प्रेशर क्या हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है। फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन ध्यान से रखोगे, फ्रीजिंग पॉइंट में क्या है मेरे पास कि सॉलिड का, सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर लिक्विड फेज के वेपर प्रेशर के इक्वल आना चाहिए, बात समझ में आ रही है। हाँ तो अब क्या होगा, अब मेरा वेपर प्रेशर डिक्रीज हो चुका है, बात समझ में आ रही है। अब बोल रहा है एंड नाउ इट वुड बिकम इक्वल टू दैट ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट, अब वो जो वेपर प्रेशर है मेरे पास सॉल्यूशन का वो सॉलिड फेज ऑफ सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल लोअर टेम्परेचर पर हो जाएगा, एट लोअर टेम्परेचर। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो वेपर प्रेशर है वो इधर डिक्रीज हो चुका है, तो अब मेरे को सॉलिड फेज किसका, सॉल्वेंट के सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के इक्वल वेपर प्रेशर करने में मेरे को कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। क्यों? क्योंकि मेरा इधर वेपर प्रेशर ऑलरेडी डिक्रीज हुआ था, वेपर प्रेशर ऑलरेडी डिक्रीज हुआ था, बात समझ में आ रही नहीं आ रही, ठीक है। थस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीजेज, तो इसके लिए क्या होगा हमारे पास, जो फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्वेंट का वो डिक्रीज हो जाएगा। कॉपी करो, ठीक है, अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं चीजें, कॉपी करते रहना। सबसे फर्स्ट हमने बात की किसकी बेटा, बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सॉरी सबसे पहले हमने बात की फ्रीजिंग पॉइंट की। किसकी बात की? फ्रीजिंग पॉइंट की। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है हमारे पास, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सब, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है हमारे पास, व्हेन द सॉलिड फेज इज इन, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में सॉलिड फेज और लिक्विड फेज का डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं दोनों,
किस टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं? द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस इन इट्स लिक्विड फेज इज इक्वल टू इट्स वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड फेज. जब सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के इक्वल उसके वेपर लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा तो उस वाले केस में हमारे पास क्या होगा बेटा, उस पॉइंट को हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे. ठीक है, अब फ्रीजिंग पॉइंट पे होगा क्या? सर फ्रीजिंग पॉइंट तो समझ में आ गया, तो क्या हम कब ऐसा बोले कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो फ्रीज होना स्टार्ट हो गया है? कब हम ऐसा बोले कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो फ्रीज होना स्टार्ट हो गया है, कि अब हम लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया है, तो वो कब बोलेंगे? सॉल्यूशन विल फ्रीज व्हेन इट्स वेपर प्रेशर इक्वल्स टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉलिड सॉल्वेंट. जब सॉल्यूशन का लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के इक्वल आ जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? तो उसको हम बोलेंगे कि अब हमारा सॉल्यूशन है जो फ्रीज होना स्टार्ट हो गया है. ठीक है, तो राउल्स भाई साहब क्या बोल के गए थे? राउल्स भाई साहब ने हमें यह बता दिया था कि अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, कॉपी करते रहना, ठीक है, तो उस वाले केस में हमारा जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. तो अब हमारा जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर सॉलिड फेज के प्योर सॉल्वेंट ऑफ सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के इक्वल लो टेम्परेचर पर आ जाएगा. इसका मतलब ये है कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया है. ठीक है, अब इतना समझ में आ गया है तो अब हम इसकी बात करते हैं. तो देखो क्या है हमारे पास, ये मेरे पास लिक्विड सॉल्वेंट है, ये मेरे पास क्या है? लिक्विड सॉल्वेंट. देखना वाई एक्सिस, देखेंगे सही से वाई एक्सिस पे क्या है मेरे पास? वाई एक्सिस पे है मेरे पास वेपर प्रेशर. वाई एक्सिस पे क्या है मेरे पास? वेपर प्रेशर है. वाई एक्सिस पे हमारे पास वेपर प्रेशर, ठीक है, ये वेपर प्रेशर है. एक्स एक्सिस पे क्या है मेरे पास? टेम्परेचर है. ठीक है, ये दो चीजें दे रखी है. तो देखो हमारे पास ये सॉल्वेंट है, ये लिक्विड सॉल्यूशन है, तो हमें पता है कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा किससे? सॉल्यूशन से. सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा किससे? सॉल्यूशन से. ठीक है, तो अब इस बात को अगर देखें तो इस वाली लाइन पे देखते हैं हम, तो देखो इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे क्या हो रहा है हमारे पास? डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है. क्या रहा है भाई? डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है. तो ये मेरे पास है टी एफ नॉट. ये क्या है बेटा? टी एफ नॉट क्या है मेरे पास? टी एफ नॉट है सॉल्वेंट, प्योर नॉट मैंने बताया था, प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर है, सॉरी प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है. क्या है बेटा? टी एफ नॉट क्या है? प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है. ठीक है, अब जब मेरे पास सॉल्यूशन आया, क्या है मेरे पास? सॉल्यूशन आया, तो ये मेरे पास क्या है? ये सॉल्यूशन है. ये क्या है मेरे पास? सॉल्यूशन है. तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो इधर क्या हो गया? डिक्रीज हो गया. सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है भाई? मेरे पास डिक्रीज है ना, तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज होने की वजह से, ध्यान से सुनना, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या है? ज्यादा है, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है? कम है. तो हमने बात कही थी कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से अब हमारे पास जो मैं इस वेपर प्रेशर के इक्वल होने की बात करूंगा, प्योर सॉल्वेंट के सॉलिड फेज और सॉल्यूशन के, प्योर सॉल्वेंट के सॉलिड फेज, ये फ्रोजन सॉल्वेंट है, ध्यान देना, फ्रोजन सॉल्वेंट मतलब सॉलिड फेज. तो सॉलिड फेज का जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के अगर इक्वल जिस पॉइंट पर आ जाएगा उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. तो ये मेरे पास क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. इन दोनों के डिफरेंस को क्या बोलूंगा मैं? डेल्टा टी एफ. तो आप देख सकते हो टी एफ नॉट की वैल्यू राइट साइड में मतलब ज्यादा है, ठीक है, और लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या है? जो सॉल्वेंट है उसमें क्या है हमारे पास? हाँ, लेफ्ट साइड में मेरे पास जो है वो किसका बॉइलिंग पॉइंट है बेटा? किसका फ्रीजिंग पॉइंट है? टीएफ की बात करें वो किसका है? सॉल्यूशन का. ठीक है, तो डेल्टा टीएफ हमारे पास क्या है इधर से? डेल्टा टीएफ क्या आया मेरे पास? डेल्टा टीएफ आया इधर से, ध्यान से सुनना, डेल्टा टीएफ है मेरे पास टीएफ नॉट माइनस टीएफ. डेल्टा टीएफ क्या है? चेंज इन, या फिर ऐसा बोल सकता हूं
डेल्टा मतलब क्या होता है चेंज, तो डेल्टा टी एफ मेरे पास डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जो कि मेरे पास क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो डेल्टा टी एफ इजिकल टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ, ठीक है, इट इज नोन एज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो कि हमारे पास क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्या है बेटा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। टी एफ नॉट बता रखा है क्या है, टी एफ नॉट है फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का, और टी एफ है हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्या है बेटा? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब ध्यान से सुनना, जब हमने डेल्टा टी भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था बेटा? डेल्टा टी भी पढ़ा था, तो मैं इधर बता रहा हूं, जब डेल्टा टी भी पढ़ा था तो हमारे पास आया था डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी बी नॉट। क्या आया था? टी बी माइनस टी बी नॉट। आप एक पॉइंट माइंड में रखना कि हमारे पास जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी इधर से, जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी वो नेगेटिव नहीं आनी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। क्या बोला मैंने? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऋणात्मक मतलब नेगेटिव नहीं होगी। तो इधर क्या हुआ था मेरे पास, जब मैं बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था, जब मैंने बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था उस वाले केस में हमने देखा था कि सर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो रहा था, तो मैंने सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट सब्ट्रैक्ट किया है। क्लियर है? जब मैं इधर बात कर रहा हूं फ्रीजिंग पॉइंट की, तो फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हो रहा है सर? डिक्रीज हो रहा है। फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होगा? डिक्रीज। तो अभी भी मेरे पास जो मैग्नीट्यूड है डेल्टा टी एफ का वो तो पॉजिटिव ही आना चाहिए, तो सर इधर भी मैं ज्यादा में से कम सब्ट्रैक्ट करूंगा, ज्यादा में से कम सब्ट्रैक्ट करूंगा। ज्यादा किसकी वैल्यू है सर? डेल्टा टी एफ नॉट की वैल्यू ज्यादा है। किसकी वैल्यू ज्यादा है? टी एफ नॉट की वैल्यू ज्यादा है। तो इधर जो मैंने सब्ट्रैक्ट किया है वो किसमें से किया बेटा? टी एफ नॉट में से सब्ट्रैक्ट किया है। किसमें से किया है? टी एफ नॉट। तो डेल्टा टी एफ होगा मेरे पास टी एफ नॉट माइनस टी एफ। बस ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें मिस्टेक नहीं करनी है। क्या मिस्टेक होगी मैं बता देता हूं आपको। डेल्टा टी एफ आप लिखोगे इधर कि सर टी एफ माइनस टी एफ नॉट, तो बेटा ये रॉन्ग है, पहले बता रहा हूं मैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऋणात्मक नहीं होगी, ये माइंड में रख लेना, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नेम ही क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो उस वाले केस में हमारे पास क्या आएगा, अगर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं, मतलब सर कम हो रहा है तो ज्यादा किसका होगा? सॉल्वेंट का, तो ज्यादा में से कम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और उधर हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था, तो एलिवेशन में सर वैल्यू बढ़ रही थी, एलिवेशन का मतलब बढ़ना, तो उस वाले केस में सॉल्यूशन में से हमने सॉल्वेंट सब्ट्रैक्ट किया था, इधर हम सॉल्वेंट में से सॉल्यूशन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। क्लियर है भाई? ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास जैसा उधर एक्सपेरिमेंट हुआ था, मैंने बताया था आपको कि जब हमने डेल्टा, देखो डेल्टा टीबी और डेल्टा टीएफ में कुछ भी डिफरेंस नहीं, सारे फॉर्मूले सेम है, बस जो डिफरेंस आएगा एफ और बी का आएगा। किसका है? एफ और बी। फेसबुक नहीं बुलाया मैंने, ठीक है ना? एफ मतलब क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट, और बी मतलब क्या है बेटा? बॉइलिंग पॉइंट। एफ क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट, और बी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। बात समझ में आ रही है? तो जैसा एक्सपेरिमेंट किसमें हुआ था, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, सेम हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट में हुआ, तो उसमें जो डेल्टा टी एफ आया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है बेटा? जो डेल्टा टी एफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया हमारे पास एम के, स्मॉल एम। सर स्मॉल एम क्या है? तो बेटा स्मॉल एम यही है जो पहले था हमारे पास, तो स्मॉल एम है हमारे पास क्या? स्मॉल एम इज मोलेलिटी। स्मॉल एम क्या है बेटा? मोलेलिटी। सर मोलेलिटी क्या होती है? तो बेटा मोलेलिटी होती है हमारे पास एन सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये फॉर्मूला हम बहुत बार लिख चुके हैं केजी में। सर एन सोल्यूट फाइंड करना नहीं आता, सर एन सोल्यूट फाइंड कर बेटा। डेल्टा टी एफ को आप किसी में भी ले सकते हो, सेल्सियस में लो चाहे केल्विन में लो, बट मैं आपको एक चीज बता देता हूं, टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में ही रखो, टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में ही रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना? हाँ भाई, तो रोहित बेटा बिल्कुल सही बोला आपने, ये रोहित मोलेरिटी नहीं है बेटा, मोलेलिटी है। प्रणीता बिल्कुल सही, मोलेलिटी एन सोल्यूट अपॉन डब्ल्यू सोलवेंट। अब अगर किसी को एन सोल्यूट फाइंड करना नहीं आता है तो हमारे पास आएगा डब्ल्यू सोल्यूट अपॉन एम सोल्यूट इंटू वन अपॉन डब्ल्यू सोलवेंट। और वेट किसमें होना चाहिए? ध्यान रखोगे बेटा, वेट मेरा केजी में आना चाहिए, तो ये वैल्यू इधर पुट कर सकते हो,
इससे आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, हाँ भाई, तो हमारे पास क्या होगा, W सॉल्यूट अपॉन M सॉल्यूट इंटू वन अपॉन क्या होगा, W सॉल्वेंट केजी में, तो इसको इसके इक्वल करोगे। तो अगर हमारे पास अननोन M सॉल्यूट है, M सॉल्यूट रहेगा तो M सॉल्यूट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो जो भी फाइंड करना होगा वो कर लेंगे। ठीक है भाई, डेल्टा टी एफ इजिकल टू, अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट को हटाऊंगा तो क्या आएगा मेरे पास, केएफ आ जाएगा। जब हमने बॉइलिंग पॉइंट वाला पढ़ा था तो केबी आया था, इधर क्या आ रहा है केएफ। बी फॉर बॉइलिंग पॉइंट, एफ फॉर फ्रीजिंग पॉइंट। बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, और एफ क्या है बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट। अब डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं कि सर केएफ क्या है, तो केएफ की डेफिनेशन आप इस टाइप से दोगे कि अगर मेरे पास मोलेलिटी वन हो जाती है, अगर मेरे पास मोलेलिटी वन कर देता हूं मैं, तो जो चेंज, जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा वही क्या होगा बेटा मेरे पास, के एफ होगा। अगर m की वैल्यू 1 रख देंगे तो क्या होगा बेटे, 1 इंटू के एफ क्या आएगा, के एफ ही आएगा। तो डेल्टा टी एफ इजिकल टू के एफ। अब देखो इसमें क्या है, टी एफ है, टी एफ नहीं बेटा ये के एफ है, क्या है, के एफ। जो केएफ है हमारे पास वो हर सॉल्वेंट के लिए अलग अलग होता है। केएफ की वैल्यू सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग होती है, जैसे एच टू है उसके लिए अलग होगा, बेंजीन है उसके लिए अलग होगा, कार्बन डाइसल्फाइड है उसके लिए अलग होगा। तो सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, केएफ विच डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर पे डिपेंड करेगा, इज नोन एज क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टेंट, उधर आया था बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कॉन्स्टेंट, और मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, उधर आया था मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि उधर एलिवेशन था, और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, उधर आया था इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। बात समझ में आई, तो ये इसके नेम है। ठीक है, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, मतलब जितना भी इसके स्टार लगाए कम है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताऊंगा, आप किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन करोगे तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। देखो सबसे पहले पढ़ो क्या होगा, क्या लिखा हुआ है, All non-volatile solute, जितने भी मेरे पास non-volatile solute अगर मैं add करता हूं, ध्यान देना, KF बेटा क्या है, इधर बता तो रखा है हमारे पास, KF क्या है, nature of solvent पे depend करता है, और freezing point depression constant, constant है, KF constant है, जिसके तीन name है, मतलब किसी भी नाम से बोल सकते हो, जैसे आपका nickname होता है कुछ, घर का नाम अलग, स्कूल में दोस्तों का नाम अलग, वो नहीं बता सकते आप इधर, ठीक है, और मम्मी पापा ने अलग रखा हुआ है, स्कूल में जो आपके मार्कशीट वगैरह है उसमें डिफरेंट नेम है, तो जैसे आपके डिफरेंट डिफरेंट नेम होते हैं, इसके भी बहुत सारे नेम है। क्या क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट और मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर मैं मोलेलिटी को वन कर देता हूं, मोलल मतलब मोलेलिटी वन कर दिया मैंने, तो मेरे पास जो डिप्रेशन आ रहा है फ्रीजिंग पॉइंट में, तो वही क्या है मेरे पास, इधर कांस्टेंट है, तो इसलिए इसको बोल रहे हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। और तीसरा नेम है हमारे पास क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। बात समझ में आई भाई, हाँ, केएफ की वैल्यू मिलेगी आपको, केएफ केबी दोनों की वैल्यू मिलेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हाँ, तो अब हम बात कर रहे थे इसकी, ध्यान से सुनो भाई, क्या हुआ है, ऑल नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स ऑलवेज रिमेन इन सोल्यूशन, सोल्यूशन के लिक्विड फेज में रहेंगे। सोल्यूशन के कौन से फेज में रहेंगे बेटा, लिक्विड फेज में रहेंगे। इसका क्या मतलब है, अच्छे से समझना, मैं बता रहा हूं आपको, सॉल्यूशन के लिक्विड फेज में रहेंगे। इधर क्या लिखा है, नॉट प्रेजेंट इन सॉलिड फेज और वेपर फेज। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि अगर मैं इधर एक कंटेनर बनाते हैं हम साफ सुथरा सा, तो ये मान लो, ठीक है ये बना दिया मैंने, ये मेरे पास कंटेनर है, इसमें मैंने क्या ऐड किया, सॉल्वेंट ऐड कर देते हैं भाई, ये हमारे पास सॉल्वेंट आ गया। ठीक है, इस सॉल्वेंट में क्या किया मैंने, इस सॉल्वेंट में हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में मान लो ये कर दिया मैंने, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करना है, तो ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया है, ये मेरे पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। ठीक है, अब होगा क्या, जब वेपर बनेगी तो वेपर वाली बात मैं कब करूंगा, सर वेपर वाली बात हम करेंगे जब बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट, मतलब मैं ये बोल रहा हूं वेपर वाला जो कॉन्सेप्ट आएगा वो आएगा आपके पास डेल्टा टीबी में,
और हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट आएगा वो आएगा हमारे पास डेल्टा टीएफ में। किस में आएगा बेटा? डेल्टा टीएफ में। तो ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। मेरा पॉइंट ये है इधर कि जब मेरे पास वेपर बनेगी, जब मेरे पास वेपर बनेगी तो वेपर में मेरे पास जो जिसकी वेपर बनेगी वो सिर्फ क्या रहेगा? सॉल्वेंट ही रहेगा। मतलब इस वाले केस में, इस वाले जो वॉल्यूम है मेरे पास, इसमें सिर्फ क्या रहेगा? सॉल्वेंट का आना अलाउड है। ओनली क्या आएगा? सॉल्वेंट आएगा, सॉल्यूट नहीं आएगा। उसका रीजन आपको पता है, क्योंकि सॉल्यूट कैसा है मेरे पास? नॉन वोलेटाइल। सॉल्वेंट कैसा है मेरे पास? वोलेटाइल है। और सॉल्यूट कैसा है? नॉन वोलेटाइल है। सॉल्यूट कैसा है? नॉन वोलेटाइल। तो मैंने यही बोला आपको कि वेपर फेज में सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे, ठीक है। दूसरा, जब ये फ्रीज होगा, क्या होगा बेटा? फ्रीज होगा। अगर मैं इसके फ्रीजिंग पॉइंट पे बात करता हूं, फ्रीजिंग पॉइंट में बात करता हूं, तो जो मेरे पास सॉलिड बनेगा, जो सॉलिड बनेगा वो सिर्फ किसका होगा मेरे पास? वो सिर्फ किसका होगा बेटा? सॉल्वेंट का होगा। वो किसका होगा मेरे पास? सॉल्वेंट का होगा। मतलब जो भी फ्रीज हो रहा है सिर्फ सॉल्वेंट होगा, मेरे पास सॉल्यूट नहीं होगा, ठीक है। जो भी फ्रीज होगा सॉल्वेंट होगा, जो भी वेपर बनेगी सॉल्वेंट की बनेगी, सॉल्यूट के साथ कुछ भी नहीं होगा। इस चीज को यूज कैसे करना है, जैसे मानो, ध्यान से देखना बेटा, न्यूमेरिकल्स के लिए बता रहा हूं मैं आपको, क्या करोगे आप? अगर आपको दे रखा है, ध्यान से देखना, आपके पास दे रखा है 1 kg H2O है आपके पास, क्या है? 1 kg H2O है, ठीक है। और इसमें मान लो 5 ग्राम क्या ऐड कर दिया आपने, 5 ग्राम ऐड कर दिया, कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। नॉन वोलेटाइल क्या है मेरे पास? सॉल्यूट है। अब वो बोल रहा है कि इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है H2O का, वो तो हमें पता है कितना है, 0 degree centigrade है। बट उसने बोला है कि जो सॉल्यूशन है, मतलब TF, TF क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। वो मान लो दे रखा है आपको माइनस, वो दे रखा है माइनस 2 degree centigrade। कितना दे रखा है? 2 degree centigrade। तो क्वेश्चन ये है आपके पास कि मेरे पास 2 degree centigrade पर अगर मैं 5 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करता हूं, 5 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करता हूं, तो उस वाले केस में मेरे पास जो सॉल्वेंट है वो कितना फ्रीज हो जाएगा? सॉल्वेंट ही फ्रीज होगा। तो जब आप फॉर्मूला यूज करोगे तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू स्मॉल एम में चेंज आएगा, तो डब्ल्यू सॉल्यूट जो आएगा आपके पास वो 5 ग्राम ही होगा। कितना होगा? 5। MW होगा, वो इक्वल होगा, इधर जब हम करेंगे तो ये करेंगे 1000 upon 1000 minus x, 1000 upon 1000 minus x into kf। ये x क्या है? तो ये बेटा जो x है हमारे पास, x वो है जो हमारे पास सॉलिड फेज में जा चुका है। x क्या है मेरे पास? वो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट इन सॉलिड फेज, सॉल्वेंट इन सॉलिड फेज। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हमारे पास कि सर कुछ सॉलिड जो हमारे पास, जो सॉल्वेंट है मेरे पास, हमें पता है कि जो भी कुछ होगा सॉल्वेंट के साथ होगा, जो भी कुछ होगा सॉल्वेंट के साथ होगा। तो अगर आप फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हो तो जो फ्रीज होगा वो भी क्या होगा? सॉलिड होगा। जो भी फ्रीज होगा वो क्या होगा? सॉलिड होगा। तो जो भी फ्रीज होगा वो क्या होगा हमारे पास? सॉल्वेंट होगा। जो भी फ्रीज होगा वो क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। तो ये मैंने मान लिया कि x ग्राम जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड में जा चुका है, तो मेरे पास सॉल्यूशन में कितना बचा? 100 माइनस x। तो इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, x की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही बेटा? क्या बोल रहा हूं मैं, फिर से ध्यान दो। मैंने ये बोला आपको कि मेरे पास जो भी सॉल्वेंट होता है उसी की वेपर बनती है और वही फ्रीज होगा। सॉलिड के साथ कुछ भी नहीं होगा, सॉलिड का जितना अमाउंट है वो सॉल्यूशन में रहेगा। इतनी सी बात है, सीधी और सरल भाषा में, फिर से बोल रहा हूं, सीधी और सरल भाषा में लिखे आप क्या करना है। जो कुछ होगा किसके साथ होगा? सॉल्वेंट के साथ होगा। अगर वेपर बननी है तो किसकी बनेगी? सॉल्वेंट की बनेगी। अगर मेरे पास सॉलिड बनना है तो किसका बनेगा? सॉल्वेंट का बनेगा। तो अगर आपसे इस टाइप का क्वेश्चन आता है, उसमें पूछता है कि कितने ग्राम सॉल्वेंट मेरा
सॉलिड में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे आप, एक्स ग्राम मान लेना सॉल्वेंट कन्वर्ट हुआ है। तो मेरे पास स्टार्टिंग में 1 kg था, 1 kg मतलब 1000 ग्राम, तो वो 1000 ग्राम में से एक्स ग्राम मैंने हटा दिया, तो मेरे पास यही तो सॉल्वेंट का मास बचा भाई। सॉल्यूशन में मेरे पास सॉल्वेंट का मास कितना बचा, 100 में 1000 में से अगर एक्स चला जाता है तो 1000 माइनस एक्स हो जाएगा। बात समझ में नहीं आई, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास हो गया, अब हम बात करते हैं। तो ये हमारे पास नोट पॉइंट था बेटा, आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करें बेटा खुद से, चलिए क्वेश्चन है आप करिए बेटा। एफबी की आईडी बाद में दे देना बेटा, अभी इधर क्वेश्चन सॉल्व करें। क्या है, 45 ग्राम इथाइलीन ग्लाइकोल, जिसका फॉर्मूला हमारे पास गिवन है, क्या है, C2H6O2 इज मिक्स्ड विद 600 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट करना है हमारे पास, क्या दे रखा है, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ठीक है, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। Kf जो दे रखा है हमारे पास वो कितना है, 1.86 kg, पर मोल, kg पर मोल ये हमारे पास है बेटा। चलिए सॉल्व करिए जल्दी से, सॉल्व करें। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मतलब डेल्टा टी एफ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मतलब टी एफ, क्या फाइंड करना है, टी एफ, जल्दी से फाइंड करें बेटा। अर्चित सक्सेना का आंसर आ चुका है, ठीक है, आंसर भी बिल्कुल सही है, अर्चित का सही है, ऋतु का बिल्कुल एग्जैक्टली सही है बेटा। हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, वो ग्राम पर मोल में कैसे हो जाएगा, टेम्परेचर ग्राम पर मोल में कैसे हो जाएगा, संयोग का बिल्कुल सही है, संयोग सही, अभय सही, बिल्कुल श्रुति सही बेटा, विभूति भी सही, रोहित शर्मा 45 बिल्कुल सही है, बस जीरो लगाना भूल के, जीरो लगा लेना ना। अगला चैप्टर बेटा होगा पी ब्लॉक, अगला चैप्टर होगा हमारे पास पी ब्लॉक। हाँ एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है बेटा, अलग से नहीं है, इंटेक्स वाले क्वेश्चन ही है। पी ब्लॉक स्टार्ट होगा राजेश कुमार, ठीक है भाई। देखे क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम, क्या है हमारे पास, हमें पता है क्वेश्चन बहुत इजी है यार, इसके क्वेश्चन बहुत इजी है, एग्जाम में भी इजी क्वेश्चन आएंगे, इजीली हो जाएगा। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू स्मॉल एम इनटू होता है हमारे पास के एफ, डेल्टा टी एफ की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू स्मॉल एम फाइंड करना है। डब्ल्यू सॉल्यूट कितना दे रखा है मेरे पास, 45, तो ये आ गया मेरे पास 45 अपॉन, इसका मॉलिकुलर मास कितना होगा, इधर से कैलकुलेट कर सकते हो आप, C2 मतलब कितना हो गया 24 प्लस O2 मतलब 32 प्लस कितना है 6, प्लस कितना है 6, तो ये हो गया 32 24 56 प्लस 6 62, कितना आ गया बेटा 62 आ गया है, तो ये हमारे पास 62 इंटू मास दे रखा है हमारे पास वाटर का जो कि सॉल्वेंट है, ग्राम में दे रखा है, तो इधर आ जाएगा 1000 अपॉन 600 इंटू केएफ की वैल्यू 1.86, तो इधर से हम सॉल्व करेंगे तो देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये हमारे पास 00 से 00 गया, और इसके बाद 3 से कर सकते हैं 2 टाइम्स, ये जाएगा 15 टाइम्स, ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास 15 मतलब 150 इंटू 1.86, 1.86 भी नहीं रहने देता हूं मैं इसको, 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 0.93, तो ये आ गया मेरे पास 0.93 अपॉन 62, इसको भी 31 से कैंसिल आउट कर सकते हो, जब 31 से करोगे तो ये 2 टाइम्स जाएगा, और ये हमारे पास कितने टाइम्स जाएगा, ये हमारे पास जाएगा 0.03 टाइम्स, 0.03 टाइम्स, तो ये 0.03 है,
तो 0.03 को कैलकुलेट करोगे तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ डेल्टा टीएफ की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, ठीक है, वो कितनी आएगी बेटा, डेल्टा टीएफ आएगा हमारे पास 2.2 केल्विन, कितना आएगा 2.2 केल्विन आएगा, डेल्टा टीएफ आएगा मेरे पास 2.2 केल्विन। बोलो भाई ये सही है, डेल्टा टीएफ, मनोज कुमार बिल्कुल सही, प्राची सही बेटा, ठीक है, मिस आयुषी बहुत सही बेटा, पलक सही सही बिल्कुल सही है, डेल्टा टीएफ आ गया। अब ध्यान देना डेल्टा टीएफ को क्या लिखोगे, तो मैंने बताया था ज्यादा में से कम सबट्रैक्ट करना है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम है डिप्रेशन, मतलब सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम होगा, सॉल्वेंट का ज्यादा होगा, तो सॉल्वेंट मतलब ज्यादा में से कम सबट्रैक्ट करेंगे, तो टीएफ नॉट माइनस टीएफ इज इक्वल टू 2.2 केल्विन, तो ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तो टीएफ इज इक्वल टू, टीएफ को ऐसे कर देते हैं हम, टीएफ नॉट की वैल्यू कितनी है 273.15, इसको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे माइनस का होगा 2.2 इज इक्वल टू, ये राइट में गया तो क्या हुआ टीएफ, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास टीएफ की वैल्यू आएगी 270.95। आई थिंक कैलकुलेशन इस बार मैंने सही की है, 270.95 बिल्कुल सही कैलकुलेशन है, जल्दी से कॉपी करें जिनका नहीं हुआ, और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए रेडी रहे बेटा। 370 पर कहां जा रहे हो, फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं यार, फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, जो 370 में घूम रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहां लेके जा रहे हो, 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट होता है ना कि फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर मैं केल्विन में कन्वर्ट करूंगा तो होगा 273.15 जो कि इधर गिवन है, ठीक है। क्या किया है भाई, फिर से देखो, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू स्मॉल एम इनटू केएफ, स्मॉल एम क्या होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर, सॉरी गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, अगर मैं 1000 लगा रहा हूं, इनटू केएफ की वैल्यू रखी, सॉल्व किया, डेल्टा टीएफ आया 2.2 केल्विन, डेल्टा टीएफ क्या आया 2.2 केल्विन, सोनाली बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद टीएफ नॉट माइनस टीएफ की वैल्यू आई मेरे पास 2.2, तो इधर टीएफ नॉट वाटर के लिए है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट हमें पता कितना होता है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर हम बोलेंगे उसको 273.15, तो इधर से सॉल्व किया टीएफ की वैल्यू आ गई 270.95, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे, करिए भाई जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन करे, नेक्स्ट क्वेश्चन करें जल्दी से। टीएफ नॉट की वैल्यू 273.15 क्यों ली, ये डाउट है कुछ लोगों को, तो बेटा ये बताइए हमें कि वाटर फ्रीज कितने टेम्परेचर पे होता है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है हमारे पास टीएफ नॉट, नॉट सॉल्वेंट के लिए आता है वो होता है बेटा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और हम पढ़ चुके हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है 273.15 केल्विन के इक्वल, इसलिए हमने ऐसा किया था, ठीक है। करे भाई जल्दी से सॉल्व करे और आंसर बताए कितना आया है क्वेश्चन का, आ चुका है यशपाल का, काफी फास्ट आ रखा है आंसर, जल्दी बिल्कुल मोहिनी सही बेटा, सैफ सही सही बिल्कुल सही, दोस्तों मैक्सिमम का सही आंसर आ रहा है बेटा 256 आ रहा है, तो आई थिंक सही होगा 256 अगर सभी का ही आ रहा है, कुछ लोग स्लो है जो लास्ट क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं अभी तक, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, अगर आंसर आ रहा है अच्छा है, सबका आंसर आ रहा है 256, तो हम 256 को ही डिक्लेयर कर देते हैं कि वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखो क्या करना है, सेम है, डेल्टा टीएफ
इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू के एफ। स्मॉल m क्या होगा सर? W अपॉन एम डब्ल्यू, ये किसका है? सॉल्यूट का, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गए, इंटू किसमें दे रखा है? ग्राम में दे रखा है, तो मैं लिख देता हूं 1000 अपॉन W सॉल्वेंट, ये भी किसमें होना चाहिए? अब ग्राम में आएगा, किसमें आएगा बेटा? ग्राम में, ठीक है। इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास? इंटू आएगा के एफ। वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करते क्या होगा हमारे पास? डेल्टा टी एफ क्या गिवन है? बिल्कुल सर, डेल्टा टी एफ गिवन है हमारे पास। क्या गिवन है? डेल्टा टी एफ। देखो क्या है, 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डिजोल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, ये हमारे पास सॉल्वेंट है, ये हमारे पास वेट दे दिया किसका? सॉल्यूट का, W सॉल्यूट। लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाई 0.40 केल्विन, ये क्या है? डेल्टा टी एफ दे दिया उसने, डेल्टा टी एफ दे दिया है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन कॉन्स्टेंट, ये के एफ दे दिया, सब कुछ दे रखा है। क्या फाइंड करना है? एम फाइंड करना है, कर लो भाई। वैल्यू रखेंगे कितना है? 0.4 इज इक्वल टू डब्ल्यू कितना है? 1 अपॉन एम फाइंड करना है, 1000 अपॉन 50 इंटू कितना आएगा भाई? 5.12। ये क्वेश्चन है यार जी साहब, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 256 ग्राम पर मोल, बिल्कुल सही। तो एम आ जाएगा हमारे पास 256 ग्राम पर मोल। बोलो भाई समझते हो? अरे बोलो समझते हो कि नहीं समझते? हमें लगता है कि आप समझते हो, आप बताइए कि आप समझते हो या नहीं समझते? बोलो भाई, क्लियर है सबको? क्लियर है तो वाई टाइप करें, क्लियर है तो वाई टाइप करें, थम्स अप करें बेटा। जिनको दोनों क्वेश्चन क्लियर है वाई टाइप करें और थम्स अप करें। पलक बिल्कुल सही बेटा, सही। अंकन बिल्कुल सही, स्प्लेंडेड, सही बेटा। डीपीपी मिलेगी चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में। ठीक है, बिल्कुल 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 सही यार, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है, ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर, ध्यान से सुनना। ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले हम SPM पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? SPM। SPM क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। SPM क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, ये चीजें पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इजी है, बहुत, जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है सबसे इजी है। आपको तो तीनों ही लगी है, बट ये उनसे भी ज्यादा इजी है, तो ध्यान दो। क्या है भाई? ऑस्मोटिक प्रेशर है हमारे पास, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये क्या करता है? इसकी प्रॉपर्टी होती है हमारे पास कि ये जो मेम्ब्रेन होती है, ये जो मेम्ब्रेन होती है, ये किसमें? ओनली सॉल्वेंट को पास करता है। मतलब जैसे मान लो कोई गार्ड है, ठीक है भाई, काफी गार्ड वगैरह होते हैं, तो वो जैसे किसी सोसाइटी का गार्ड है, तो उनका उधर रूल है कि हमारे पास सिर्फ सोसाइटी के लोग ही अंदर जा सकते हैं, तो वो सिर्फ सोसाइटी के लोगों को ही अंदर जाने देगा। बात समझ भाई? मैच देखने जा रहे हो आप, अभी नहीं, मतलब जब कोविड निकल जाएगा तब। मान लो अगर कोई क्रिकेट मैच देखने जाता है, कोई गलती से दुबई चला जाए, अबू धाबी, ठीक है, तो उधर जाता है मैच देखने, तो मैच में एंट्री ग्राउंड में उसी को मिलेगी जिसके पास टिकट होगा। तो सेम कॉन्सेप्ट SPM का है, वो मान के चलता है। उसका कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, अगर भैया सॉल्वेंट हो तो निकल सकते हो, अगर सॉल्वेंट नहीं हो तो आपका आवागमन रोका जाएगा, आपका आवागमन निषेध है, आप इधर से नहीं जा सकते, आप इधर से नहीं जा सकते। तो ये हमारे पास SPM की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये सिर्फ किसको अलाउ करता है? ये सिर्फ हमारे पास सॉल्वेंट को ही अलाउ करता है। मतलब अगर मैं इधर SPM बनाऊं, ये देखना, इसको मैं SPM बोल रहा हूं, ये मेरे पास क्या है? SPM है, और इधर मेरे पास सॉल्यूट है प्लस सॉल्वेंट है। क्या है? सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, और इधर मेरे को पास करना है,
तो इधर ओनली सॉल्वेंट आ सकता है, इधर ओनली सॉल्वेंट आ सकता है, सॉल्यूट नहीं आएगा। क्लियर है भाई? एग्जाम्पल है नेचुरल जो हमारे पास एसपीएम है उसका पिक्स ब्लेडर परचमेंट, ठीक है, और सिंथेटिक का सेलोफोन, ठीक है, ये हमारे पास एग्जाम्पल है। अब हम देखेंगे कि एसपीएम का यूज कहां पे होता है, एसपीएम का यूज कहां पे होता है, तो हमारे पास आएगा ऑस्मोसिस। क्या आता है बेटा नेक्स्ट? ऑस्मोसिस, ध्यान से सुनना, ऑस्मोसिस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ऑस्मोसिस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बेटा ये है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ऑस्मोसिस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। सर ऑस्मोसिस होता क्या है? तो ऑस्मोसिस क्या होता है? इट इज स्पॉन्टेनियस फ्लो। देखो इसको जाने दो, अभी ये क्या है इससे मतलब नहीं है अपन को, सिंपल बात करते हैं हम। ये बताओ मेरे को कि अगर मैं गैस की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? गैस की। अगर मेरे को गैस का फ्लो करना है तो किधर की साइड होता है? तो सर गैस का फ्लो सबको पता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की साइड होता है। जैसे मान लो सिंपल सा भाई अपना डेली लाइफ का भी वही एग्जांपल है यार, जैसे मान लो बस में हो आप, ठीक है, बस में ट्रेवल कर रहे हो और बस में बहुत ज्यादा भीड़ है, मतलब कैपेसिटी है 50 की और उधर 105 पैसेंजर है, तो अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर है, जैसे गेट खुलेगा बाहर निकल जाएंगे, मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की साइड क्या होगा? फ्लो होगा। बात समझ में आई? सेम कॉन्सेप्ट गैसेज का है, सेम कॉन्सेप्ट इधर का आएगा, जिसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी उसका फ्लो होगा, ध्यान देना आप, ठीक है। अब देखेंगे हम क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। क्या बोल रहा है वो? ऑस्मोसिस क्या होता है? इट इज स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल। देखो ऑस्मोसिस जो हमारे पास है वो रिलेटेड है किसके? एसपीएम के। ऑस्मोसिस जो रिलेटेड है वो किससे? एसपीएम से। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन फ्लो करेगा, क्योंकि अगर एसपीएम से रिलेटेड है तो ये फिक्स है कि कौन पास करेगा? सॉल्यूट तो कर ही नहीं सकता, क्या करेगा? सॉल्वेंट करेगा। क्या करेगा? सॉल्वेंट करेगा। तो क्या है हमारे पास? इट इज स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स थ्रू एसपीएम फ्रॉम, ध्यान से समझना इसको क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन, फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ध्यान से समझना, डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन, और क्या बोल सकते हैं इसको? फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन, किसकी? हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। सर आप तो बेवकूफ बना गए हमें, आप तो बेवकूफ बना गए, आपने अभी बोला सर हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की साइड फ्लो होगा, बट इधर तो बोल रहा है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन की साइड हो रहा है, तो सर काहे बेवकूफ बना रहे हो बे, काहे बेवकूफ बना रहे हो? तो बेटा मैं बेवकूफ नहीं बना रहा हूं, हम बात कर रहे हैं जो पास हो सकता है उसकी, जो पास हो सकता है उसकी, और पास कौन होगा एसपीएम से, कौन एसपीएम को पास कर सकता है? वो है सॉल्वेंट। तो अगर आप कंसंट्रेशन की बात करोगे तो मैंने जो एग्जांपल दिया वो सॉल्वेंट के लिए दिया, मतलब जिस साइड सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, ध्यान से सुनेंगे, जिस साइड, कॉपी करते रहेंगे और ध्यान से सुनेंगे, जिस साइड सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, जिस साइड सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उस साइड से फ्लो होगा किधर? लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ही एसपीएम को पार कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर बोल रखा है इट इज स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स थ्रू एसपीएम फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो ये वाली जो लाइन बोली हुई है, ये लाइन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ये लाइन जो उसने बोली हुई है, ये बात बोली है उसने किसके लिए बेटा? सॉल्यूट के लिए, कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जिधर ज्यादा है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जिधर ज्यादा है और उसको हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं, और जिधर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है उसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है तो किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है? सॉल्वेंट की। तो मतलब जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है वो सॉल्वेंट उसमें ज्यादा होगा, और वही तो हम बोल रहे हैं कि जिधर सॉल्वेंट ज्यादा है उधर से फ्लो कम सॉल्वेंट वाली साइड होगा।
कंसंट्रेशन की टर्म में। बात समझ में आई? तो ये आ गया हमारे पास। और सिंपल लैंग्वेज में आप ऐसा बोल सकते हो, द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विल फ्लो, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल फ्लो करेंगे थ्रू द मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट मतलब ओनली सॉल्वेंट ही अपने पास, फुली कंसंट्रेटेड। बात समझ में आई? टू द सॉल्यूशन, टू द सॉल्यूशन मतलब जो सॉल्यूशन है मेरे पास, इसमें कौन कौन है बेटा, इसमें मेरे पास सॉल्यूट भी है और सॉल्यूवेंट भी है, सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। तो प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की साइड स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू SPM इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? ऑस्मोसिस बोलेंगे। बात समझ मारी नहीं आ रही बेटा? ठीक है, तो दिस प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इसको हम क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस बोलेंगे। बिल्कुल सही है, हाई टू लो फ्लो है, बस ध्यान रखना कंसंट्रेशन वाली है। ठीक है, ये वाली सिंपल लाइन है, मेरे को पता है, बट मैंने ये इसलिए लिखाई है क्योंकि एग्जाम में वो इस टाइप से पूछ सकता है, तो आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एग्जाम में आप डेफिनेशन ये वाली लिखे, बिल्कुल सही है, अगर सब्जेक्टिव होता है तो अब की बात कर रहा हूं। ऑब्जेक्टिव में वो इस टाइप से भी पूछ सकता है, तो आप अगर सिर्फ ये वाली लैंग्वेज पढ़ के जाते तो इधर मिस्टेक कर सकते थे, इसलिए मैंने ये वाला बात कराया। बात समझ में नहीं आई? ठीक है भाई, अब बात करते हैं हमारे पास क्या है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स कांट थ्रो एसपीएम, एसपीएम से पास नहीं होंगे, ये पॉइंट पता है आपको। इफ प्रेशर इज अप्लाइड ओवर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन देन ऑस्मोसिस डिक्रीजेस। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तो ये कॉपी बाद में करेंगे, पहले हम इधर आएंगे, अब इसको समझेंगे क्या हो रखा है इधर, वो बात करेंगे। ये हमारे पास क्या है? ओनली सॉल्वेंट है। क्या है भैया? सॉल्वेंट है। ठीक है, ये एसपीएम लगा रखा है और ये हमारे पास सॉल्यूशन है। ये हमारे पास क्या है? सॉल्यूशन है। सबसे पहले बात करते हैं ऑस्मोसिस की। ठीक है, किसकी बात करते हैं बेटा? ऑस्मोसिस की बात करते हैं। ऑस्मोसिस क्या होता है? प्योर सॉल्वेंट से, ध्यान से सुनना, प्योर सॉल्वेंट से, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की साइड जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का फ्लो होगा उसको हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। मतलब ये मेरे पास सॉल्वेंट है, इधर से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का फ्लो हो रहा है इधर की साइड, इसको हम क्या बोल रहे हैं? ऑस्मोसिस बोल रहे हैं। इतना क्लियर है? अब क्या बोल रहे हैं, ये मेरे पास क्या है? प्योर सॉल्वेंट है। अगर मेरे पास प्योर सॉल्वेंट है तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा उसको हम बोलेंगे पी नॉट, उसको हम क्या बोलेंगे? पी नॉट। और इधर मेरे पास सॉल्यूशन है जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडेड है। कैसा है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडेड है, तो इसको हम बोलेंगे ये सॉल्यूशन है। क्या है मेरे पास? सॉल्यूशन है, और इसके लिए जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा? पी एस से डिनोट किया था, तो हम पी एस ही करेंगे। ठीक है, अब ये हम पढ़ चुके हैं कि पी नॉट की वैल्यू पी एस से ज्यादा होती है, तो ये सबको पता है, ये तो मतलब शास्त्रों में लिख गया है। क्या लिख गया है? कि पी नॉट इज ग्रेटर देन पी एस। ठीक है, बात समझ भाई? क्या बोला मैंने? पी नॉट की वैल्यू क्या है? पी एस से ज्यादा है। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमारे पास सॉल्यूशन से क्या रहता है? ज्यादा रहता है, तो पी नॉट इज ग्रेटर देन पी एस। ये बात क्लियर है भाई? ठीक है, क्या होगा इसका मतलब? इसका मतलब इधर का साइड जो प्रेशर है वो ज्यादा है, किससे? इधर के साइड के प्रेशर से, वेपर प्रेशर से ज्यादा है। बात समझ भाई? तो जिधर प्रेशर ज्यादा है उधर प्रेशर कम होने का ट्राई करेगा। भैया जिधर घुट रहे हैं लोग, मान लो मेरे पास दो बस है, क्या है? दो बस है, पिकनिक पे गए, एक बस में मान लो 80 है, ठीक है, कैपेसिटी वही 50 की है, तो एक में मान लो 80 है और दूसरे में 40 है, तो क्या होगा उस वाले केस में? ऐसा होगा कि 80 में से लोग निकल के किस में जाएंगे? 40 वाली बस में जाएंगे जिसमें 40 पैसेंजर बैठे हैं। बात समझ भाई? तो सेम इधर हो रहा है, इधर प्रेशर ज्यादा है तो ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर वाली साइड जाएगा। ठीक है, इसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब एक बंदा आया कि यार हमें तो आराम से जाना है बस में, भाई हमें बस में आराम से जाना है, हम 40 लोग फैल फैल के जाएंगे, ठीक है, आराम से लेट के जाएंगे, बैठ के भी नहीं लेट के जाएंगे, दूसरे वाले जो भी करें हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब इस वाले केस में हम क्या करें? तो उसने बोला कि भैया फ्लो रोकना पड़ेगा अपन को, पैसेंजर्स का क्या करना पड़ेगा? फ्लो रोकना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या किया जाए? तो उसके लिए भैया कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालते हैं अपन। क्या करते हैं? एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालते हैं। तो एक्स्ट्रा एफर्ट क्या डाला उसने? ये एक्स्ट्रा एफर्ट डाला पाई।
पाई, मतलब उसने कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया। क्या किया, जितने भी पैसेंजर थे सबको विंडो की साइड लगा दिया, उसने सबको विंडो की साइड बिठा दिया और कुछ एक को, पांच छह लोग गेट पे खड़े कर दिए। अब बाहर वालों को क्या लगेगा कि अंदर तो बहुत भीड़ है, अंदर बहुत भीड़ है, विंडो पे सब सारी विंडो फुल है और गेट पे भी खड़े हैं, तो लोग मतलब खचाखच से बस भरी हुई है। बात समझ में आई, मतलब कुछ एक्स्ट्रा उसने दिमाग लगा दिया। तो उसने भी क्या किया कि इधर का वेपर प्रेशर ज्यादा है, ठीक है, तो भैया जी हम ऐसा करेंगे कि इस फ्लो को कम करने के लिए इधर मैं कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रहा हूं, पाई, इसको पाई बोल रहे हैं, पीना बोल के, क्या बोला मैंने, पाई। तो ये हमारे पास जो है एक्स्ट्रा प्रेशर, जब मैं इसको धीरे धीरे इंक्रीज करता जाऊंगा तो ये जो फ्लो है धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा। भाई अगर भीड़ देखते जाएंगे तो लोग क्या होंगे, धीरे धीरे कम आना स्टार्ट होंगे, ठीक है, और एक टाइम ऐसा आएगा जब इसमें और इसमें सेम टाइप का प्रेशर लगेगा, ठीक है, सेम टाइप का प्रेशर लगेगा, उस टाइम फ्लो बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो तब मैं जितना ये मैंने एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया, ये पी एक्स्ट्रा जो लगाया है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ध्यान से समझना क्या हुआ, इधर से इधर जा रहे थे लोग इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कोई एक समझदार आलसी, मतलब या फिर आराम जिसको चाहिए, उस बंदे ने बोला कि भैया नहीं, हमें फ्लो नहीं करना है, फ्लो नहीं चाहिए, हमें फ्लो रोकना है, तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, इधर पाई एक्स्ट्रा प्रेशर ऐड करना स्टार्ट किया, 2 ATM किया, 2 ATM से मॉलिक्यूल्स का फ्लो कम हो गया, हो अभी भी रहा है, 3 किया अभी भी हो रहा है, 5 किया, 5 पे जाके रुक गया। मतलब अगर पाई की वैल्यू 5 ATM बोलू मैं, पाई की वैल्यू कितना बोले, 5 ATM अगर हम बोले, तो जो मॉलिक्यूल्स का फ्लो है, जो ये मॉलिक्यूल्स का फ्लो था सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का, वो क्या हो गया, स्टॉप हो गया। अगर ये मॉलिक्यूल्स का फ्लो स्टॉप हो चुका है तो ये जितना मैंने प्रेशर लगाया है, ये जितना मैंने प्रेशर लगाया है, इसी को हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। तो यही लाइन लिखी हुई थी उधर कि अगर मैं एक्सटर्नल प्रेशर लगाता हूं तो मेरे पास ऑस्मोसिस डिक्रीज होगा और एक पॉइंट पे ऐसा आएगा कि ये फ्लो रुक जाएगा, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब उस पॉइंट पे जितना हम एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर लगाएंगे। अब क्या दिमाग में आया कि सर फ्लो रोक दिया, ठीक है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, इधर से इधर भेज दे। भाई लालच आ गया है उस बंदे के दिमाग में कि भाई कुछ पैसेंजर तो आ चुके हैं ना, 40 थे बट कुछ पैसेंजर आ चुके हैं, तो हमें क्या करना है कि जो पैसेंजर आए वापिस से भगाना है। तो उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए क्या किया जाए, लालच है भाई, आ जाता है, सब में आता है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि मेरे को पाई की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 5 ATM करनी पड़ेगी। अगर पाई की वैल्यू में ग्रेटर देन 5 ATM कर देता हूं तो उस वाले केस में सॉल्वेंट, ध्यान रखना फ्लो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का ही होगा। सॉल्वेंट मतलब आप समझ सकते हो पैसेंजर, और सॉल्यूट मतलब समझ सकते हो ड्राइवर। ड्राइवर थोड़ी ना भाग जाएगा भाई, तो ड्राइवर और कंडक्टर नहीं भागेंगे, ओनली क्या भागेगा हमारे पास, ओनली हमारे पास भागेगा कौन से, सॉल्वेंट। तो अगर मैं पाई की वैल्यू जो कि हमारे पास प्रेशर है, इधर ध्यान देना 22/7 नहीं कर देगा कोई मैथ वाला, ठीक है ना, पाई इधर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो इस वाले केस में हम क्या करेंगे कि पाई की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 5 ATM हो जाती है, तब गैस जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है उनका फ्लो इस डायरेक्शन में होगा, और इसको हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बोलते थे बेटा, रिवर्स ऑस्मोसिस बोल देंगे कि भैया जिस डायरेक्शन में ऑस्मोसिस हो रहा था उसका हमने रिवर्स कर दिया, और रिवर्स के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ा जिसकी वैल्यू क्या होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होती है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होती है। तो अब सभी लोग बताएंगे कि ये चीज समझ में आई या नहीं आई, जिनको समझ में आया थम्स अप करे, वाई टाइप करे, जल्दी से बताए बेटा, ये वाला डायग्राम के रिलेटेड जो भी मैंने बातें बताई है सबको समझ में आई या नहीं आई, बोलो भाई जल्दी बताए, अगर समझ में आया तो वाई टाइप करे, थम्स अप करे, समझ में आया वाई टाइप करे, थम्स अप करे, बिल्कुल जल्दी बेटा।
बिल्कुल बढ़िया, ठीक है, सबको समझ आ गया है। बिल्कुल जल्दी, मतलब सब लोग बताओ यार, सभी को बताना है क्या किया हमने। देखो अब सारे, ये तो मैंने समझा दिया है, अब पूरा थियोरेटिकल पढ़ेंगे हम पूरा, ठीक है। सबको समझ में आ रखा है, बिल्कुल बढ़िया यार, ठीक है। देखो अब क्या बोल रखा है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स कांट पास थ्रो SPM, ठीक है, इफ प्रेशर इज अप्लाइड ओवर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। अगर मैं कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, किसमें कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, सोल्यूट वाली साइड बात बोल रहे हैं, तो अगर मैं उस साइड प्रेशर अप्लाइड करूं एक्स्ट्रा, लेफ्ट वाले कॉलम की बात कर रहे हैं जो लेफ्ट वाला डायग्राम बना था, देन ऑस्मोसिस डिक्रीजेस, तो पैसेंजर का जो फ्लो है वो कम हो जाएगा धीरे धीरे, तो ऑस्मोसिस डिक्रीज हो गया। द प्रेशर वेयर ऑस्मोसिस स्टॉप, वो प्रेशर की वैल्यू जिस पे ऑस्मोसिस रुक गया है, हो गया है, फ्लो थम गया है, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, उस प्रेशर को हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको क्या बोलेंगे हम, ऑस्मोटिक प्रेशर। बात समझ भाई। अब अगर मैं और भी पीएक्शनल की वैल्यू पाई से ज्यादा कर देता हूं, पीएक्शनल की वैल्यू क्या कर देता हूं, पाई से अगर मैं ज्यादा कर देता हूं, तो उस वाले केस में देन ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस फ्रॉम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू डाइल्यूट सॉल्यूशन, दिस इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। इसको हम क्या बोलेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलेंगे, ठीक है। देखिए भाई आगे क्या कहानी है, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर जो हम लगा रहे हैं, दैट मस्ट बी अप्लाइड टू ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन पे लगाएंगे, सॉल्वेंट पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि सॉल्वेंट से तो ऑलरेडी फ्लो हो रहा है, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की साइड जो मॉलिक्यूल्स का फ्लो होता है, कहां से, SPM से, उसको हमने बोला था ऑस्मोसिस। तो अगर उस फ्लो को मेरे को रोकना है, तो मैं सॉल्यूशन पर एक्सेस प्रेशर या एक्सटर्नल जो प्रेशर लगा रहा हूं, उस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे, उस प्रेशर को क्या बोलेंगे हम, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। दैट इज टू स्टॉप द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू SPM मेम्ब्रेन इन द सॉल्यूशन। बात समझ में आई या नहीं आई, अगर दोनों का सॉल्यूशन इक्वल, दोनों सॉल्यूशन का प्रेशर इक्वल होगा, तो उसके लिए थोड़ा सा धैर्य धारण करें बेटा, पेशेंस रखे, बताएंगे आपको, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है हमारे, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये हमें पता है, ये तो हमें पता है, नई चीज नहीं है कुछ भी, स्टार्टिंग में पढ़ चुके हम। ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अगर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन पढ़ी थी कि सर जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, वो क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, ना कि नेचर पे। तो ये बोला रखा है एज इट डिपेंड्स ऑन द नंबर, एज इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स एंड नॉट देयर आइडेंटिटी, कि उनकी आइडेंटिटी क्या है उससे कोई मतलब नहीं, उनका नेचर कैसा उससे कोई मतलब नहीं है, मेरे को दुनिया जान से कोई मतलब नहीं है, मेरे को सिर्फ क्वांटिटी से मतलब है, क्वांटिटी ज्यादा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा, क्वांटिटी कम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम। फॉर डायल्यूट सॉल्यूशन इट हैज बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली, फिर से एक्सपेरिमेंटल के बेसिस पे ही अपने पास ये थ्योरी आई है, दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द मोलैरिटी। ध्यान देना, अभी तक हमने डेल्टा टीबी और डेल्टा टीएम पढ़ा था, तो उसमें हमारे पास जो आया था स्मॉल एम आया था, जिसको हम मोलैरिटी बोल रहे थे, बट इधर क्या आएगा बेटा, मोलैरिटी, इधर क्या है, मोलैरिटी। तो फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द मोलैरिटी, जिसको हम क्या बोल रखा है, सी ऑफ द सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर, एट गिवन टेम्परेचर टी। तो इसका मतलब मैं बोलूंगा कि इधर जो पाई होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मेरे पास सी के, पाई जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके होगा, सी के, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो मेरे पास इधर जो टोटल रिलेशन आएगा, तो वो हम बता देंगे, इधर क्या आएगा हमारे पास, जो टोटल रिलेशन आएगा वो आएगा पाई इज इक्वल टू सी आर टी। ये हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये याद रखना है। सी क्या है हमारे पास, सी है एन बाई वी, मोलैरिटी, और मोलैरिटी की हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो पाई इज इक्वल टू एन बाई वी इंटू आर टी,
सी क्या है, कंसंट्रेशन या मोलरिटी, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.0821। ये वैल्यू कब लेनी है, जब हम प्रेशर को एटीएम या फिर बार में यूज करें और वॉल्यूम किस में होना चाहिए मेरे पास, लीटर में, तब मेरे पास 0.0821 यूज करना है। ठीक है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो गया, टी सबको पता है टेम्परेचर है, ठीक है, एन मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एन क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, वी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो ये हमारे पास आ गया, ये आपको याद रखना है। मोलरिटी सबने फाइंड कर रखी है ऑलरेडी, भी ऐसा ही है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी जैसा ही है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी जैसा ही है, बस पी की जगह प्रेशर इधर क्या है, वो ऑस्मोटिक प्रेशर है। बात समझ में आई बेटा, तो ये हमारे पास आ गया है। देखो इधर क्या है, लेवल ऑफ सॉल्यूशन राइजेज इन द थिसल फनल ड्यू टू ऑस्मोसिस ऑफ सॉल्वेंट, क्या हुआ देखो समझो, एनसीईआरटी का ये हमारे पास ये प्योर सॉल्वेंट है, ये क्या है मेरे पास सॉल्वेंट, दिख रहा है क्या, शायद नहीं दिख रहा होगा, तो डिफरेंट कलर यूज कर लेते हैं, कौन सा कलर दिखेगा इस पर, आई थिंक ये सही दिखेगा, नहीं ब्लैक लिख लेते हैं, ये हमारे पास है सॉल्वेंट, क्या है बेटा सॉल्वेंट, ठीक है, और इसमें हमारे पास सॉल्यूशन है, इस जो ये हमारे पास फनल है इसमें क्या है सॉल्यूशन है, तो अब होगा क्या, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में अंदर जाएंगे, ये हमारे पास एसपीएम है, इधर क्या है एसपीएम है, तो इधर से जो फ्लो होगा ये सिर्फ किसका हो सकता है, सॉल्वेंट का हो सकता है, ओनली किसका होगा सॉल्वेंट का होगा, तो जैसे जैसे इसमें सॉल्वेंट बढ़ेगा, जैसे जैसे इसमें सॉल्वेंट बढ़ेगा तो उस वैसे वैसे ही मेरे पास इसका पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या बढ़ेगा प्रेशर बढ़ेगा, तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, प्रेशर क्यों बढ़ रहा है क्योंकि मेरे पास सॉल्वेंट बढ़ रहा है, प्रेशर क्यों बढ़ रहा है क्योंकि सॉल्वेंट बढ़ रहा है, तो अगर सॉल्वेंट बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, और अगर प्रेशर बढ़ेगा तो लिक्विड की हाइट बढ़ेगी, और इस हाइट हाइट की फॉर्म में आपने फिजिक्स में पढ़ रखा है कि प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं, पी इज इक्वल टू रो जी एच, ठीक है, तो इधर से भी बाई चांस क्वेश्चन बनाए तो बना सकता है, हम बता देंगे, ठीक है भाई। इसके बाद आता है हमारे पास, अब देखिए, अब हमारे पास कुछ लोग टाइप कर रहे थे कि सर अगर दोनों सॉल्यूशन, जो हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, मान लो मेरे पास दो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन वन सॉल्यूशन टू, मेरे पास दो बसेज है, अगर उनमें नंबर ऑफ पैसेंजर इक्वल है, अगर उनमें नंबर ऑफ पैसेंजर इक्वल है तो क्या होगा, नंबर ऑफ पैसेंजर को हम किससे रिलेट कर रहे हैं, प्रेशर से, अगर दोनों का प्रेशर सेम है, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, अगर दो सॉल्यूशन ऐसे हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो उसको हम बोलेंगे आइसोटोनिक, क्या बोलेंगे बेटा आइसोटोनिक, तो क्या बोल रखा है, टू सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन, क्या बोलेंगे उसको, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है, when such solutions are separated by SPM, अगर इस टाइप के solutions को, कौन से टाइप के, isotonic solutions को अगर मैं SPM से separate कर देता हूं तो क्या होगा, तो उस वाले केस में osmosis नहीं होगा, osmosis नहीं होगा, बात समझ में आ रही है, no osmosis, क्यों, क्योंकि दोनों साइड प्रेशर सेम है, तो भैया काहे का osmosis होगा, जब किधर की साइड से भी प्रेशर कम ज्यादा लग ही नहीं रहा है तो काहे प्रेशर क्या होगा हमारे पास, मतलब कम ज्यादा अगर है ही नहीं तो काहे हमारे पास फ्लो होगा, काहे पैसेंजर इधर से उधर घूमेंगे, बात समझ में आ रही नहीं आ रही, जिस बस में है उधर बैठे रहेंगे आराम से, बात समझ में आई, इफ टू सॉल्यूशंस हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर तो उस वाले केस में हम कंडीशन लगाएंगे, क्या कंडीशन लगाएंगे बोलिए भाई, अगर हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों का सेम है तो क्या कंडीशन लगाएंगे, तो सर हम ये कंडीशन लगाएंगे कि पाई वन इज इक्वल टू पाई टू होगा, क्या होगा, पाई वन इज इक्वल टू पाई टू होगा, और अगर हमारे पास पाई वन इज इक्वल टू पाई टू होगा तो पाई क्या था हमारे पास, सर पाई था हमारे पास सी आर टी, क्या था सी आर टी,
तो R और T तो भैया कैसे है, अगर R तो होता है कांस्टेंट, R क्या होता है कांस्टेंट, तो मैं इसको CTR लिख रहा हूं अभी, R क्या होता है कांस्टेंट होता है, तो मैं दोनों को इक्वल करूंगा तो R तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो भैया जी ये आएगा क्या, C1T1 इज इक्वल टू C2T2। और अगर हम भैया जी टेम्परेचर भी इक्वल कर देंगे तो T1 इज इक्वल टू T2 हो जाएगा और वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर मैं T1 को T2 के इक्वल कर देता हूं, अगर हम T1 को T2 के इक्वल कर देते हैं तो उस वाले केस में क्या होगा, T1 से T2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और सोनू के T2 की सीटी आ जाएगी। बात समझ आई, T2 कैंसिल आउट तो T1 T2 कैंसिल आउट तो C1 इज इक्वल टू C2। बट ये तभी लगाना है जब हमारे पास क्या होगा बेटा, जब हमारे पास टेम्परेचर सेम होगा, टेम्परेचर क्या होगा सेम होगा। बात समझ आई बेटा, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। अब आता है हमारे पास हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक, ये तो हमने जो कहानी सुनाई ये तो सुनाई जब इक्वल हो, ये तो कहानी तब की सुनाई जब हमारे पास क्या हो इक्वल हो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर। बट अगर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल ना हो तब क्या होगा। सुनील मौर्य जी हमारा बर्थडे नहीं है बेटा, हमारा बर्थडे जा चुका है, ठीक है, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बोलोगे तो हम आपको थैंक यू बोलेंगे, ठीक है। अब इधर ध्यान दो बट पढ़ाई पर, क्या है हमारे पास हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक की बात करेंगे। तो मेरे पास दो सॉल्यूशन लिए मैंने, एक सॉल्यूशन लिया 1 और दूसरा सॉल्यूशन लिया 2। इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो है पाई 1, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई 2। मैं मान के चल रहा हूं, मैं जोर जोर से बोल रहा हूं मान के चल रहा हूं, बाद में ये कमेंट करोगे कि सर पाई 1 को पाई 2 से ज्यादा क्यों लिया। बेटा ऐसे ले लिया, आप पाई 2 को भी ज्यादा ले सकते हो। अगर पाई 1 को पाई 2 से ज्यादा रखते हैं, पाई 1 की वैल्यू पाई 2 से ज्यादा होती है, तो ध्यान से सुनना, जो सॉल्यूशन 1 है उसको बोलेंगे हाइपरटोनिक और जो सॉल्यूशन 2 है उसको क्या बोलेंगे हाइपोटोनिक। जिसका प्रेशर ज्यादा है हाइपर हो गया है, जिसका प्रेशर कौन सा ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है मतलब वो हाइपर है तो उसको बोलेंगे हम हाइपरटोनिक, और जिसका प्रेशर कम है वो है हाइपोटोनिक। वो क्या है बेटा हाइपोटोनिक। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, ठीक है, इतनी सी बात थी हमारे पास। अब भैया जी ऑस्मोसिस पढ़ लिया हमने, ऑस्मोटिक प्रेशर भी पढ़ लिया, तो अब थोड़े इसके बात कर ले कि पढ़ा क्यों है। तो इसका एप्लीकेशन एक बहुत ही शानदार, ठीक है, RO सिस्टम सबने पढ़ा है, मतलब पढ़ा नहीं देखा है, RO सबके घर देखा होगा जो वाटर को प्योरीफाई करता है, हेमा मालिनी ऐड करती है उसका, ठीक है, तो ये तो पता ही होगा आपको, ठीक है। तो इसकी बात करें तो रिवर्स ऑस्मोसिस एंड वाटर प्योरिफिकेशन, तो हमारे पास जो रिवर्स ऑस्मोसिस का जो कॉन्सेप्ट है ना वो वाटर को प्योरीफाई करता है। वो क्या करता है वाटर को प्योरीफाई करता है, कैसे करता है देखो, हमारे पास ये सॉल्ट वाटर है, कैसा है सॉल्ट वाटर है, सॉल्ट वाटर मतलब इंप्योरिटी वगैरह है इसमें, ठीक है, और ये हमारे पास SPM लगा हुआ है, इधर मेरे पास फ्रेश वाटर है या मैं इसको बोल सकता हूं प्योर वाटर, क्या है दिख रहा होगा, आई थिंक दिख रहा है क्या, प्योर वाटर देखता हूं मैं आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा, प्योर वाटर शुद्ध जल है बेटा, ये क्या है शुद्ध जल दिख रहा है बेटा, सबको दिख रहा है, सही है, ये हमारे पास शुद्ध जल है। तो अगर मेरे पास और थोड़ा सही से लिख देता हूं जिससे आपको अच्छे से दिखे, ये हमारे पास है प्योर वाटर शुद्ध जल, ठीक है। तो अब होगा क्या, अगर मेरे पास ये प्योर वाटर है तो प्योर वाटर का फ्लो होना चाहिए किधर की साइड, सॉल्यूशन की साइड, सर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की साइड ही तो क्या होता है हमारे पास ऑस्मोसिस होता है, ठीक है भाई बिल्कुल सही है, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की साइड गैस, वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का फ्लो ही तो क्या है हमारे पास ऑस्मोसिस है। बट हमने क्या किया, फ्रेश वाटर को थोड़ी ना इसमें मिक्स करेंगे, हमें तो सॉल्ट वाटर में से फ्रेश वाटर निकालना है, सॉल्ट वाटर में से फ्रेश वाटर निकालना है, तो उसके लिए मेरे पास पिस्टन है और मैं प्रेशर लगा रहा हूं, कितना पाई से ग्रेटर देन, पाई क्या है पाई तो सर हमारे पास होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई क्या है हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अगर मैं पी एक्सटर्नल
ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा लगाता हूं तो रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। मतलब इस वाले केस में अब ये वाला फ्लो नहीं होगा, क्या होगा, सॉल्ट वाटर से इधर सिर्फ किसका फ्लो होगा, वाटर का। तो वाटर का फ्लो होगा तो हमारे पास फ्रेश वाटर आएगा, इधर टैप लगा रखा है खुलता जाएगा, पानी पिएंगे मस्त रहेंगे, क्लियर है। शुद्ध जल पियो और स्वस्थ रहो। तो अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है भाई साहब ने। तो लिखा हुआ है द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स इफ ए प्रेशर लार्जर देन, ये बोल रहा है कि डायरेक्शन हम रिवर्स कर सकते हैं किसकी, ऑस्मोसिस की। तो ये तो हमें पता है कि हम कर सकते हैं, इसमें आप क्या नया बता रहे हो। द डायरेक्शन ऑफ द ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स इफ प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड। ध्यान देना बेटा, किसकी साइड करना है हमें, सॉल्यूशन की साइड करना है, किसी और की साइड मत कर देना। ये सॉल्यूशन की साइड अगर मैं एक्स्ट्रा प्रेशर लगाता हूं जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होगा तो उस वाले केस में ऑस्मोसिस की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, जिसको हम रिवर्स ऑस्मोसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो दैट इज नाउ द प्योर सॉल्वेंट फ्लो आउट ऑफ द सॉल्यूशन थ्रू द सेमी एसपीएम, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। इसको क्या बोलेंगे हम बेटा, उल्टा ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस बोल, अरे क्या हो रहा है भाई, इसको हम रिवर्स ऑस्मोसिस बोलेंगे। बोलो समझे कि नहीं, अरे बोलो समझे कि नहीं। तो इसको हम बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। एप्लीकेशन मोटे मोटे सुंदर शब्दों में लिखा हुआ है डिसेलाइनेशन ऑफ सी वॉटर, जो कि इधर हम कर रहे हैं, ठीक है, इसके लिए यूज होता है। बोलो भाई क्लियर है या नहीं है, क्लियर है या नहीं है, ये चीज समझ में आई या नहीं आई। अगर समझ में आई तो वाई टाइप करे, थम्सअप करे, ओपी करे, जो भी करना है करे, बट बताए हमें अगर समझ में आ रहा है बेटा तो बताए। स्वेगर, बिल्कुल सही बेटा, ठीक है ठीक है, समझे साहिल, समझे नितिन भी, समझे ऐमान भी, समझे सब समझ रहे हैं, बिल्कुल सही है। प्रतीक समझ में आ रहा है, सही है, वाई थम्स अप, सब जल्दी से बता दो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, जल्दी बताएं बेटा। तो अगर समझ में आ गया है तो हमारे पास, समझ में आ गया है, ये होमवर्क का क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बहुत चीजें हैं हमारे पास डिस्कस करने को, ध्यान रखना, ये होमवर्क है, होमवर्क नंबर वन। होमवर्क नंबर टू, दो ही है क्या बस, नहीं यार और भी है। होमवर्क नंबर थ्री, होमवर्क नंबर चार, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है होमवर्क नंबर फाइव। ये पांच क्वेश्चन है होमवर्क के, ठीक है। आज मैं बैक एक्सरसाइज का होमवर्क नहीं दे रहा हूं, बैक एक्सरसाइज का होमवर्क नहीं दे रहा हूं, पांच क्वेश्चन ये करोगे साथ ही साथ में पूरा चैप्टर रिवाइज करोगे। क्या करोगे बेटा, पूरा चैप्टर रिवाइज करोगे, ठीक है। संडे को कुछ खतरनाक हो सकता है केमिस्ट्री का, तो चैप्टर रिवाइज करके रखे, जितना भी आपके पास चैप्टर हुआ है, ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन मैंने लीक कर दिए, बताना नहीं है किसी को, ठीक है। तो हमारे पास क्या है बेटा, चैप्टर, ये पांच क्वेश्चन है, पूरा चैप्टर रिवाइज करके रखना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में पूरा बैक एक्सरसाइज जितना बचा हुआ है वो करना है आपको, साथ ही साथ में डीपीपी मिल जाएगी संडे और मंडे तक, वो करना है। बात समझ में आती है बेटा, ठीक है। तो ये आपके पास होमवर्क है। अब आपको एक बड़ा सा थैंक यू बोलते हैं हम, और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, स्वस्थ रहो, ठीक है, थैंक यू। अब हम चलते हैं।